शराब दुकानदार नहीं दे रहे बिल, नए नियमानुसार शराब खरीदने वाले को बिल देना अनिवार्य। शिवराज सरकार ने जहरीली शराब की बिक्री और अधिक मूल्य वसूले जाने को रोकने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, लेकिन क्या नियम का पालन करेंगे शराब दुकानदार? मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों से खरीदी गई शराब, देसी विदेशी और बियर के बिल देने का आदेश आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने जारी किया था। आज से शुरू हुई बिल व्यवस्था में खामियां भी सामने आई है। राजपुर में शराब लाइसेंसी दुकानदार के द्वारा 1 बजे तक ग्राहक को बिल नहीं दिए गए। बड़वानी, इंदौर, भोपाल, खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर, बैतूल सहित कई शहरों में आज सुबह से बेची गई शराब के बिल सामने आए। आज टीकाकरण अभियान की तरह आबकारी विभाग के अफसर बिल अभियान चलाकर इसका प्रचार करके श्रेय लेने की होड़ करते दिखे। बिल देते हुए फोटो ऐसे वायरल किए जा रहे हैं जैसे आबकारी अफसर सुबह सुबह से शराब खरीदने वालों को बिल देकर सम्मानित कर रहे हों। वहीं राजपुर की दुकान वाला तो बिल देना ही भूल गया। ग्राहक से पूछा तो बोले कि बिल नहीं दिया और पूछने पर उचित जवाब भी नहीं दिया गया और कहा कि हमें यह नहीं पता कि बिल किसे देना है, सबको देना है या मांगने पर देना है। इस तरह के बहानेबाजी करते हुए सेल्समैन दिखाई दिए। जब इस संबंध में आबकारी अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वे छुट्टी पर हैं, सभी को बिल देना अनिवार्य है और नहीं देने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। ये दारूदुल्ले अपने दुकान से वाइन ली तो बिल लिया आपको? बिल नहीं दिया? बिल दो, बिल आज दिया नहीं सबको? यू भैया, क्या नाम आपका? हमने शराब नहीं, नहीं मैंने शराब खरीदेगा उसको बिल दूंगा कि आपको बिल दूंगा? नहीं, अभी दोनों ने खरीदे उनको बिल नहीं दिया। कौन ने बिल दिया? दोनों दिया, अर्जुन करके वो इंदर ने ली भी, उनके लिए बिल नहीं दिया उनको। बुलाओ उसको अर्जुन को।